हमें लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है खाते हैं हम ये कसम। धन दोम 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 जो ज्ञान का रसता है शिक्षा का रसता है उसी पे चलेंगे हम। वो जो शिक्षा पा गया है वो ही आगे आ गया है। राजधानी पटना से करीब 160 किलोमीटर दूर तो वहीं दरभंगा जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूर हनुमान नगर प्रखंड के गुदाई पट्टी पंचायत का सैदपुर गांव, जहां ठीक से सड़क नहीं पहुंची वहां एक CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित विद्यालय में नन्हे मेधावियों का पढ़ाई करना केवल एक कल्पना मात्र था, लेकिन दो नदी से घिरे इस बाढ़ प्रभावित गांव में आज से 7 साल पहले एक युवा हौसले के साथ शुरू हुआ कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल अब 15 से 20 गांव के बीच एकमात्र शिक्षा का प्रथम मंदिर बन चुका है। सैकड़ों छात्र यहाँ नामांकित हैं जिन्हें लगातार बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में स्कूल के निदेशक और शिक्षक भरसक प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण आर्थिक तंगी से अभिभावक अपने बच्चे को विद्यालय में भेजना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस स्कूल द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाकर दर्जनों ऐसे छात्र हैं जिनका नामांकन मुफ्त में करवा कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। सर आपका पहले पूरा परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद तबरेज, मैनेजिंग डायरेक्टर कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल शहरपुर। सर ये इस स्कूल खुलने का वो भी गांव के एकदम अंदर, काफ़ी अंदर है, ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर है बिशनपुर थाना से, क्या मकसद था इतना गांव के अंदर खुलने का? गांव के अंदर में क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ही कमी पाई जा रही थी। मैं भी इसी गाँव से बिलोंग करता हूँ। जो दुख दर्द जो पीड़ा मुझे हुई, मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको प्रॉब्लम हो। कमाने की बात अगर रही तो कमाने के लिए मैं शहर में अगर जाता तो इससे बेहतर कमा पाता, इससे कम इन्वेस्टमेंट में और ज़्यादा मुनाफा कमा पाता। बट कहीं कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पर मैं स्कूल चला के मुझे प्रॉफिट करना कमाना, बस एक ही उद्देश्य है कि इस सुदूर देहात में एक ऐसी एजुकेशन की आंधी को ला दी जाए जो कभी आने वाले जो जनरेशन है उसको प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी भविष्य में कहीं भी वो जाए तो एक ऐसा ओरिएंटेड बन जाए वो। ये स्कूल का उद्घाटन कब हुआ था और कितने सेक्शन है इसमें अभी तक? ये 2015 में 28 फरवरी को इनॉग्रेट किया था मैंने। ये नर्सरी टू 8 हमने ओपन किया, इसको बढ़ा के हम लोग अभी 10 तक ले गए। जो बच्चे यहाँ से अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 तक हम कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं। अच्छा, 10वीं का बोर्ड कहाँ से कर रहे हैं? कुल कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल आपके 8वीं तक? 350 बच्चे हैं। 350 तो ये कितने गांव के हैं? या ये अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 गांव पड़ते हैं। 15 से 20 गांव के। अच्छा, एक मुख्य सवाल है, गाँव है यहाँ पे, लोग खेत पे ज़्यादातर, हाँ बिल्कुल, पशुपालन पे है, फीस किस हिसाब से रखे? क्योंकि गरीब के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना यानी एक सपना भी होता है। सपना भी होता है और टफ टास्क भी है। टफ टास्क इस गांव के लिए, टफ टास्क भी है और एक लोगों का सपना। टफ टास्क इसलिए भी है कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो गांव में जाकर के तो शायद उसके माता पिता हिंदी भी ठीक से देते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कम कॉपरेशन आ पाता है उन लोगों का। जो सबसे बड़ा चैलेंज अगर किसी स्कूल के लिए है एजुकेशन को डेवलप करने में क्षेत्र में, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो माँ बाप है, माता पिता जो भी हैं बच्चों के, वो कॉपरेटिव नहीं हो पाते हैं। क्योंकि उनके अंदर में थोड़ी सी शिक्षा की अगर कमी पाई जाती है तो वो कॉपरेट नहीं कर पाते हैं। फीस का क्या रखा है स्ट्रक्चर? फीस यहाँ पर में मेरे पास में बहुत ही मिनिमम फी रखा गया है, 650 रुपये अप्रॉक्सीमेटली नर्सरी LKG UKG की फी है। बिहार बहुत ज़्यादा मैनेज करता है, जब घर में आर्थिक तंगी आती है क्या लगता है कोई बच्चा अगर यहाँ पर, उसके परिवार में आर्थिक तंगी आती है, उसका परिवार नहीं पढ़ाने भेजता है बच्चे को जो ऑलरेडी आपके यहाँ पढ़ता है, तो इसके लिए कुछ आप करते हैं कि नहीं? नहीं, हमारे यहाँ ये तो बिहार की अच्छी पॉलिसी है, आप जानते होंगे RTE एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, उसमें 25% बच्चों को ऑलरेडी गवर्नमेंट अलॉट करती है हमें कि फ्री शीट देती है, वो क्या फ्री में पढ़ाइए, उसकी जो फ़ी है गवर्नमेंट पे करती है, और जो फी हम यहाँ बच्चों से नहीं ले पाते हैं वो शायद उनसे बेहतर फी जो है गवर्नमेंट पे करती है।